नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखा मेरे बॉडीगार्ड का कमाल। Thank you.
यश की पत्नी हूँ और अपने पति की हिफाजत मुझे कैसे करना है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं अब भी जाकर यश को सब कुछ बता दूंगी कि तुम कौन हो और हमारी जिंदगी में दोबारा आने का तुम्हारा मकसद क्या है। बस बस प्रार्थना, बहुत बोल चुकी हो। तुम मेरा मकसद जानना चाहती हो तो सुनो। तुम दोनों से अलग होने के बाद मैंने पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया। वहां मुझे यश के जुर्मों की एक फाइल मिली। कुछ दिन यश के साथ गुजारने के बाद मुझे यकीन हो गया कि यश मुजरिम नहीं है। फिर वो कौन है जो यश की आड़ में ये सब जुर्म किया जा रहा है? अगर तुम्हारी यही नीयत थी तो तुमने यश को अपनी असलियत क्यों नहीं बताई? अगर आते ही मैं यश को अपनी असलियत बता देता तो मेरे पुलिस ऑफिसर होने पर वो खुश तो बहुत होता, लेकिन उस आदमी तक मैं कभी नहीं पहुंच पाता जो यश के नाम का सहारा लेकर सारे जुर्म किए जा रहा है। लेकिन अगर अभी तुम्हें मेरी दोस्ती पर भरोसा नहीं है तो आज ही मैं ये केस छोड़ देता हूं। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे इस केस छोड़ देने के बाद इस केस में जो भी नया ऑफिसर आएगा वो यश को एक मुजरिम और सिर्फ एक मुजरिम की नजरों से देखेगा। लेकिन अगर तुम मेरा साथ देती हो तो हम हमारे यश को फिर से एक नई जिंदगी दे सकते हैं। I'm sorry, सूरज। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं।